हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे पांच अमेजिंग मशीन्स के बारे में जो सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। यह है वॉल कटर, इसे वॉल चेसर भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो प्लम्बिंग के पाइप्स और इलेक्ट्रिक फिटिंग के पाइप्स प्लेस करने के लिए जो दीवार काटी जाती है उसमें किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यह टेक्निक इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। इस टेक्निक से अगर हम वर्क करें तो हमें घंटों लग जाते हैं। बात करें इस मशीन की तो इसकी एक्यूरेसी और स्मूथनेस बहुत हाई है। इस मशीन से हमें जितनी वॉल कटिंग करना है उतनी वॉल हम कट कर सकते हैं। यह है प्लास्टर स्प्रेडर मशीन। टिल्टिंग मिक्सचर में सीमेंट और सैंड की पेस्ट बनाकर वैक्यूम प्रेशर पंप पे प्लेस किया जाता है। उसके बाद सीमेंट और सैंड की पेस्ट पाइप थ्रू जाकर नोजल से वॉल पर स्प्रे किया जाता है। फाइनल फिनिशिंग के बाद हो गया आपका प्लास्टर तैयार बहुत ही कम समय में और बिना कोई मटेरियल वेस्ट करके। प्लास्टर स्प्रेडर मशीन का उपयोग इंडिया में भी किया जाता है। यह है रीबार टाइगन जो कि स्टील बाइंडिंग के काम आती है। रीबार टाइगन एक चार्जेबल गन है, इसे चार्जिंग पे चलाया जाता है। स्टील बाइंडिंग करना बहुत ही बोरिंग काम माना जाता है, लेकिन इस गन ने बहुत ही आसान बना दिया है। यह गन इंसान के मुकाबले दुबना काम करती है और बहुत ही स्मूथली काम करती है। आज भी इंडिया में इस गन का उपयोग बहुत ही कम जगहों पर किया जाता है। ये है रीबार बेंडर मशीन, इसे बार बेंडर मशीन भी बोला जाता है। सिंपल बेंडिंग यानी बहुत ही थका देने वाला काम होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और एक्यूरेसी बहुत ही लेस होती है, लेकिन इस मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें नंबर ऑफ बार्स पुट करके हम उसको जैसे चाहे वैसे बेंड करवा सकते हैं और इसमें एक्यूरेसी भी बहुत ही हाई होती है। जिस एंगल में हम बार को बेंड करना चाहे उस एंगल में हम इजीली बेंड कर सकते हैं। स्टील बार का कोई भी डायमीटर हो, इस मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इजीली बेंड कर देती है। यह मशीन हमारे इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ही देखी जाती है। इस मशीन का मेन एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा बार्स बेंड कर सकती है। इस मशीन की प्राइस 26,000 से 1.5 लाख तक हो सकती है। ये है रोडोमीटर। यह मशीन रोड मेजर करने के काम में आती है और बड़े प्लैट्स का एरिया मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस मशीन में एक व्हील, काउंटर और स्टैंड होता है। इस मशीन को कोई भी अकेला एक इंसान चला सकता है। पहले हमें रोड मेजर करने के लिए टेप की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए हमें बहुत भी टाइम लगता था, लेकिन रोडोमीटर बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर कर सकता है। इस रोडोमीटर के काउंटर पे रीडिंग दिखाई जाती है। इस रोडोमीटर की पहले रीडिंग 0 करनी पड़ती है, उसके बाद रोडोमीटर के स्टैंड को हाथ में पकड़ के आगे चलना पड़ता है। हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे रोडोमीटर अपनी रीडिंग काउंट करता जाएगा। ये बहुत ही अमेजिंग मशीन है, इंडिया में बहुत सी जगह पर इसका यूज किया जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।